तो आज हम सिमेटिक डायग्राम के बारे में बात करने वाले हैं। सिमेटिक डायग्राम को किस तरह से रीड करना है, कैसे समझना है, दो तीन चार लोगों ने कमेंट किया था कि सर बताइए। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से आपको सिमेटिक डायग्राम हेल्प करेगा रिपेयरिंग करने में। देखिए, पुराने ज़माने में होते थे, उस टाइम बड़ी बड़ी बुक्स आती थी, जैसे नोकिया 1100-1200 के टाइम में, तो उसमें हम बताया होता था कौन सा ट्रैक है, कौन से कंपोनेंट्स ट्रैक पे लगे हुए हैं। तो मान लीजिए आज मैं आपके पास आता हूँ मेरा फ़ोन लेके, कोई भी फ़ोन हो, आजकल हर रोज़ नए फ़ोन आ रहे हैं, तो मैं आपको दे दूँगा कि ये सर देखना इसमें माइक काम नहीं कर रहा। तो आप क्या करेंगे, आप पहले तो माइक बदल के देखेंगे, दो लगाएंगे आप, नीचे वाला बोर्ड भी, सीसी बोर्ड भी चेंज कर देंगे, लेकिन फिर भी माइक नहीं चल रहा, तो आपको आगे ट्रेसिंग करनी पड़ेगी। तो आपको पता तो नहीं है ना भी कौन सा कंपोनेंट चेक करना है, इसके कौन से ट्रैक्स हैं। इस चीज़ में आपकी सिमेटिक डायग्राम हेल्प करेगा कि कौन से कंपोनेंट से होके माइक का ट्रैक कहाँ पे जा रहा है। तो सिमेटिक का आप समझ गए होंगे होता क्या है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको सिमेटिक डाउनलोड करना है गूगल से फ्री में। दो तरीके होते हैं बेसिकली, आप कंप्यूटर का ख़रीद भी सकते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि पहले आप समझिए, पहले अपने फ़ोन में डाउनलोड करिए, दो चार फ़ोन रिपेयर करिए, आपको बढ़िया से सब चीज़ें समझ आने लगे, और उसके बाद आप ख़रीद सकते हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में भी कौन सा लेना चाहिए, बढ़िया कौन सा। और तो चलिए बताता हूँ मैं किस तरह से आप फ़ोन में ट्रेसिंग शुरू करेंगे, किस तरह से सिमेटिक की हेल्प से आप रिपेयर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे, जैसे कि डोनेटिंग लेटर्स, इसमें जो बताए होते हैं, जैसे कैपेसिटर को सी से डोनेट किया होगा, रेजिस्टेंस को आर से, डायोड को डी से, और कॉयल को एल से। ये सब कंपोनेंट्स हैं जिनको कम्प्लीटली नहीं लिखा होता, लेकिन डोनेट किया होता है इन लेटर से। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। इसके बाद देखिए, जो ट्रैक्स होते हैं, जो रास्ते होते हैं, उनकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। जैसे जो चार्जिंग करते हैं, हम अपने चार्जर से कनेक्ट करते हैं, और जब आईसी तक वो चार्ज आपका पहुंचता है, तो उसको बोलते हैं वी बस का ट्रैक। वो जो रास्ता है वो वी बस का होता है। तो दूसरा है फेज करंट। जो भी आईसी ड्राइवर लगे होते हैं, सब कुछ उनको वर्क करने के लिए जो सप्लाई चाहिए, उसको बोलते हैं फेज करंट। इसको डोनेट किया होता है, जैसे इस रास्ते को बताया होता है VPH के नाम से। उसके बाद बैटरी बोल्ट्स, जो बैटरी के अपने वोल्ट्स होते हैं आईसी तक, अपनी बैटरी से लेके आईसी तक, उसको हम बोलेंगे वी बैट। वो वी बैट का ट्रैक होता है। उसके बाद टेस्टिंग और टच पॉइंट होते हैं, जैसे बिंदु से बने होते हैं, ये देख सकते हैं आप, इनको हम टीपी पॉइंट्स बोलते हैं, टीपी। और उसके बाद जो सबसे आखिर में है कनेक्टर्स, जो भी बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर, इस तरह के जो कैमरे के कनेक्टर, बैटरी के कनेक्टर, इनको हम जे से जानते हैं। इसके ऊपर जे लिखा होता है, ऐसे नहीं लिखा होता कनेक्टर, वहाँ पे लिखा होता है जे। अब आप देखिए डाउनलोड कैसे करना है। सबसे पहले मैं अपने फ़ोन के ब्राउज़र में आ गया, गूगल में मैंने सर्च किया अपना मॉडल जिसको मैं रिपेयर कर रहा हूँ, जैसे रेडमी 5A सिमेटिक डायग्राम जैसे लिखा हुआ आ गया। मैंने इस पर क्लिक किया तो इस तरह के ऑप्शन आपके पास आएंगे, ये देख सकते हैं आप। इसमें से कोई भी ऑप्शन आप उठा सकते हैं, साइट्स हैं जहाँ पे वहाँ मॉडल्स अवेलेबल है। मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक किया, ये ओपन हो गई साइट। यहाँ पे बहुत सारे डायग्राम्स बताए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। देखिए, किसी का भी आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। आप जो ढूंढ रहे थे वो है Redmi 5A, तो ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, Redmi 5A सिमेटिक डायग्राम। तो इस तरह का नीचे ऑप्शन आएगा, मैं क्रोम पे क्लिक करता हूँ, और देखिए फाइल ओपन होने लगेगी। ये फाइल आपकी आपके ड्राइव में ओपन होगी, इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लें, और नीचे फिर क्रोम पे क्लिक करें, और कुछ चंद सेकंड्स में आपकी फाइल डाउनलोड होने लगेगी। ये देखिए, ये डाउनलोड हो गई आपकी फाइल। तो इसको हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने पे नीचे ऑप्शन आएगा फाइल को एक्सट्रैक्ट करने का, क्योंकि वो जिप फाइल है, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे यहीं पे, और साथ के साथ अपने पास ऑस्मेटिक आ जाएगा इस तरह के फोल्डर में। ये चार फाइल्स आपको देखने को मिलेगी। तो इन्हीं चार फाइल्स में जो आपका स्मैटिक है आपके फ़ोन का, वो इनमें आपको मिलेगा। सबसे पहले मैंने फाइल का नाम चेंज कर दिया, जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं उस पर मैंने लिख दिया है डायग्राम्स, और सबसे नीचे वाली फाइल है उस पर मैंने लिख दिया है मदरबोर्ड। ये आप देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, ये मदरबोर्ड वाली फाइल जो है
इसके अंदर जब आप इसे ओपन करेंगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा। देखिए मैंने इसको किया ओपन, तो ये देखिए इसमें आपके फ़ोन का मदरबोर्ड है, कुछ इसी तरह से शायद आपका 5A का बोर्ड नज़र आता है। ये इसकी दूसरी साइड, ये इसमें आपको डायग्राम मिल जाएगा, इसमें सभी कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताया होगा कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लगा है। मान लीजिए कहीं पे लिखा है R2103, तो मतलब R का मतलब रेजिस्टेंस है, और जो पीछे कोड लिखा है वो ट्रेसिंग में आपकी हेल्प करेगा। कहीं पे C लिखा है तो वो कैपेसिटर है, L लिखा है तो वो कॉइल है, और इस तरह से बहुत से नाम है। जैसे U लिखा है यहाँ पे बड़ा सारा, तो ये IC लगा हुआ है। इस तरह के कोड्स होते हैं। तो चलिए हम और दूसरी फाइल में देखते हैं क्या है। जो एक फाइल जिसमें मैंने लिख दिया डायग्राम्स, उसको जब मैं ओपन करता हूँ तो आप देखिए उसमें हर चीज़ के डायग्राम हैं, जैसे बैटरी कनेक्टर, फ्यूल गेज, ये सभी ICs, ट्रैक, सब कुछ इसमें आपको पता चल जाएगा। तो जैसे कि अपने कैमरे के ट्रैक्स हो गए, बैटरी के, माइक के, हर चीज़ का ट्रैक इसमें आपको मिलेगा। मान लीजिए आपका फ़ोन है, चार्ज नहीं हो रहा है, तो आपने जैक चेंज कर लिया, सब बोर्ड चेंज कर लिया, और उसके बाद आपने जो फ्लैक्स है वो भी आपने चेंज करके देख लिया, फिर भी फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है। अब आपको ट्रेसिंग करनी पड़ेगी, आपको पता नहीं है किस तरह से करनी है। तो चलिए शुरू से मैं आपको बताता हूँ कंपोनेंट से लेके आगे आगे आप रास्ते पे किस तरह से बढ़ेंगे। सबसे पहले हम दूसरे PDF फाइल में जाएंगे, डायग्राम जो आपका ये बोर्ड वाला डायग्राम है, इसमें आप देखिए मैंने आपको बताया था कि जो कनेक्टर होता है उसको हम J से जानते हैं, तो यहाँ पे लिखा ना J190, यहीं पे आपका नीचे वाला बोर्ड कनेक्ट होता है, आपको सबको पता है। तो इस पे लिखा हुआ है J1901, इसको हम करेंगे कॉपी और वापस जाएंगे दूसरे डायग्राम में। यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे इसको, ऊपर देखिए ऑप्शन है, यहाँ पे हमने किया पेस्ट, तो ये आपका आ गया जो कनेक्टर था आपका सब बोर्ड कनेक्टर, ये आपके सामने देखिए 34 पिन का ये कनेक्टर होता है। इस पे हमको VBUS ढूंढना है। अब मैंने आपको पहले बताया था ना चार्जिंग का जो रास्ता होता है उस पे लिखा होता है VBUS, ये देखिए इसमें हमको VBUS ढूंढना है, ये नीचे लिखा हुआ है VBUS, और इसकी पिन देखिए, थोड़ा मैं जूम करता हूँ इसको, ये जो नीचे वाला ट्रैक है 2930123, ये जो चार पांच रास्ते हैं, सॉरी पांच पिन हैं, ये एक रास्ते से कनेक्ट होती हैं VBUS वाले रास्ते से, और ये जो ट्रैक है पूरा, ये देखिए आगे VBUS लिखा हुआ है। तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले ये जा रहा है रास्ता, उस पर एक TP पॉइंट है, एक डायोड है, और ये फिर आगे जा रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है VBUS USB IN। ये आगे का हम पढ़ेंगे, पहले हम ये चेक करते हैं जो बीच में इस पर TP पॉइंट हो गया या फिर ये कंपोनेंट लगा है TVS। तो TP पॉइंट का मैंने आपको बताया था टच पॉइंट है, ये टेस्ट पॉइंट है, इसका जो कोड है हम कॉपी कर लेंगे क्योंकि ये इसके रास्ते पे लगा है, और दूसरी साइड जाएंगे और यहाँ पे हम कॉपी कर इसको पेस्ट कर देंगे इस फाइल में। हमने इसको यहाँ पे पेस्ट किया तो हमें मिला ये यहाँ पे येलो हो गया है बोर्ड में। जब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। इस पे आप अपने मल्टीमीटर से जब टेस्टिंग करेंगे 20 वोल्ट से लेके, तो आपको मिलेगा इसमें 5 वोल्ट्स। वो तब मिलेगा जब आपका पीछे का सिस्टम सारा सही होगा, जैसे फ्लैक्स, चार्जिंग वगैरह, तो यहाँ पे आपको 5 वोल्ट देखने को मिलेगी। अब चलिए आगे वाले कंपोनेंट जो इस पे लगा हुआ है, जैसे डायोड लगा हुआ है, तो इस डायोड पे हम कॉपी कर लेंगे इसको, इसका कोड TVS1902, इसकी जो सिंबल है उससे आप पहचान सकते हैं कि ये डायोड है। तो मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए डायोड आ चुका है, बिल्कुल TP पॉइंट के ऊपर लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी टेस्ट कर लीजिए, 5 वोल्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और वापस चलते हैं उसी डायग्राम्स वाले अपने PDF में। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है VBUS USB IN, इस रास्ते
इसको हम कॉपी कर लेंगे, इसको हम इसी फाइल में पेस्ट करेंगे क्योंकि ये कोई कंपोनेंट नहीं है, ये एक रास्ता है और रास्ते हम यहीं पे सर्च कर देंगे। इसको हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी किए ऊपर देखिए ऑप्शन है पेस्ट का, वहाँ पे आप सर्च करिए और इसको पेस्ट कर दीजिए। और आगे लिखा हुआ है देखिए इस कॉर्नर में राइट वाली 2 of 2, मतलब एक और पेज है इसका, तो इसको हम आगे करेंगे। तो ये देखिए वहाँ से होते हुए रास्ता यहाँ पे पहुँचता है, ये कोई चीज़ लगी है OVP नाम से। OVP होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, एक तरह का फ्यूज़ है ये, ज़्यादा वोल्टेज आने पे ये ब्रेक हो जाएगा और आपके रास्ता है उसको ब्रेक कर देगा और जो आपकी वोल्टेज है वो आगे नहीं जाने देगा इस, ताकि आपका AC कहीं ख़राब ना हो जाए, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए लगाया होता है। तो चलिए हम इस रास्ते को ट्रेस करते हैं, इस पर कौन से कंपोनेंट लगे हैं। सबसे पहले देखिए USB का रास्ता एक कैपेसिटर पे अटैच होता है जिसका कोड कुछ C05016 है। तो इसको हम डायग्राम वाले में पेस्ट करेंगे बोर्ड के डायग्राम में। यहाँ पे देखिए ये रास्ता कहाँ पे आ रहा है, वहाँ से होते हुए TP पॉइंट से यहाँ तक आपका ये ट्रैक है जो यहाँ पे पहुँच रहा है। इस पर आप चेक करिए, इस पर भी आपको 5 volts मिलेंगी इस कैपेसिटर पे। इसके बाद हम वापस चलते हैं, अगर यहाँ पे आपको 5 वोल्ट मिल रही है तो आगे हम चेक करते हैं। आगे ये IC लगा है जिसकी जो बोल्ट्स होती हैं वो नीचे होती हैं, यहाँ पे आप टेस्ट नहीं कर सकते, इसको आप कॉपी करके देख सकते हैं ये कहाँ पे लगा हुआ है। वैसे इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, शायद वो मैंने कॉपी सही से नहीं किया, वापस चलते हैं कॉपी करते हैं। ये मैंने कॉपी कर लिया और वापस आके यहाँ पे पेस्ट किया। नीचे देखिए येलो हो गया है जो 50 U0503 ये जो IC है OVP IC ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है। जो कैपेसिटर है C0516 से इस IC में वोल्टेज जा रही है। तो यहाँ पे IC तो हम टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन IC के आगे वाले कंपोनेंट पे, पहले हमने इस पे किया था C05016 पे, अब हम इसके आगे वाले पे चेक करेंगे। जैसे ये वाला IC से आउट की लाइन पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है उस पे, इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये मैंने पेस्ट कर दिया, देखिए ये येलो हो गया C0517 ये कैपेसिटर है। IC से इसमें 5 वोल्ट्स आपको मिलेंगे, अगर आपका IC सही है तो 5 वोल्ट मिल जाएंगी, अगर IC सही नहीं है तो इसके पहले वाला कैपेसिटर जो था, ये जो कैपेसिटर है C0516, वहाँ से आप जंपर उठाइए और C0517 पे जंपर कर दीजिए, इसको आप बाईपास कर दीजिए अगर एक ख़राब है तो, और इसको निकाल दीजिए। और पड़ा है तो आप और बोर्ड से निकाल के लगा दें, लेकिन अगर नहीं है तो जंपर कर दीजिए। तो आगे देखिए इस रास्ते पे आगे लिखा है VBUS USB IN, इसको कॉपी करिए और यहीं पे इसको कर दीजिए पेस्ट। और ऊपर लिखा हो गया है 104, ये पेज अगला पेज आपके सामने खुल गया है ऑटोमेटिकली। ये देखिए ये नीचे क्या लिखा हुआ है, कौन सा IC है, चार्जर IC, ये आपका चार्जर IC है U0501, ये बोर्ड में लगा होगा कहीं ना कहीं, आप देख भी सकते हैं कोड कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करके। लेकिन हमको ये लाइन ट्रेस करनी है तो हम देखेंगे VBUS USB IN, इस पर कैपेसिटर लगाया है C0501 और C0511 C0520, 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, कोई सा भी एक हम ले लेते हैं, उसको हम चेक करते हैं कि इस कैपेसिटर पे 5 वोल्ट्स आपकी पहुंच रही है या नहीं। तो इस कैपेसिटर पे हम यहाँ से इसको पेस्ट कर देंगे, ये भी हमने पेस्ट कॉपी नहीं हुआ शायद, चलिए हम इसमें ढूंढ ही लेते हैं C05010, 20 and 11। ये देखिए 3 C05010, C05020 और C05011, 3 कैपेसिटर हैं। किसी से भी कोई भी कैपेसिटर पे आप चेक करिए 5 वोल्ट्स आ रही हैं या नहीं। अगर यहाँ पे आपको 5 वोल्ट्स आ रही हैं तो हो सकता है आपके IC तक
प्रॉपरली वोल्टेज पहुंच रही है लेकिन आईसी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो हम जाएंगे आईसी में, देखते हैं यहाँ पे वोल्टेज पहुंच गई, हमने जैक से लेके यहाँ तक ट्रेस कर लिया। अब देखिए ये जो आईसी लगा हुआ है U0501 बड़ा सा आईसी, जैसे कि हमने देखा था जिस पे चार्जर लिखा हुआ था यही वो आईसी है। उसका कोड भी आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ U0501 यही आईसी है। तो इस पे बहुत सारे नाम लिखे हैं, जैसे एक नंबर पिन पे भी बस ये अंदर वोल्टेज जा रही है या नहीं जा रही, इस चीज़ का हमें पता लग जाता है 23 नंबर पिन से, PMID से, PMID लिखा है ना 23 नंबर पिन पे, यहाँ से हमको पता लग जाता है। तो इस पे बहुत बहुत कुछ लिखा है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ट्रेसिंग करना, मैंने आपको बताया किस तरह से करनी है स्टेप बाय स्टेप। तो इस पे देखिए आप बहुत सारे नाम लिखे हैं, वी बस, PMID, NC, REGN, BTST ये वगैरह, इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सब ट्रैक्स हैं, ट्रैक्स के नाम से। तो हम जब चार्जिंग का सेक्शन पढ़ेंगे तो इन्हीं सभी ट्रैक्स के नाम और इनका काम आपको बताऊंगा, और इनके रास्ते कहाँ से कहाँ जा रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा मैं आपको अभी बता देता हूँ, PMID है जो, वहाँ पे आप चेक करिए, अगर वोल्टेज आ रही है तो उसका मतलब आईसी प्रॉपरली काम कर रहा है। जैसे NC नॉट कनेक्टेड, PG लिखा है पावर गुड, और चार नंबर पिन है स्टैट, तो स्टैट का मतलब होता है जो आपकी चार्जिंग के टाइम बत्ती जलती है ना फ़ोन में, नीचे या ऊपर कहीं भी लगी हो तो यहीं से स्टैट का जो यहीं पे यहीं से जो वोल्टेज आती है आपकी, जो ब्लिंक करती है बत्ती जो आपकी LED लगी होती है। उसके बाद STA, SCL जो आपकी CPU में जाती है। उसके बाद है INT इनिशियलाइजेशन, जो ये चेक करती है SDA और SCL जो लाइन है वो CPU से सही से काम कर रही है या नहीं कर रही, ये 7 नंबर पिन इनिशियलाइजेशन चेक करती है। उसके बाद नॉट कनेक्टेड, PCL, हमको हम जो टेस्ट कर रहे थे जैसे चार्जिंग का हम ट्रैक टेस्ट कर रहे थे, तो मैं आपको उसी का आगे बता देता हूँ थोड़ा सा, और फिर आप अपने फ़ोन में ट्राई करिए कि आप कर सकते हैं यानी किसी भी तरह। ये जो देखिए ये पिन जो सबसे पहले 19 और 20 नंबर ये ऊपर ये रास्ता जा रहा है, उसमें कॉयल लगी है रास्ते में, वो VPH का रास्ता है, VPH पावर का, यहाँ से आपकी VPH बनती है। और देखिए एक रास्ता है जो सीधा इसी IC में वापस आ जाता है, और यहाँ से IC में से होके ये यहाँ पे 13-14 नंबर पिन पे लिखा हुआ है चार्ज आउट, बैट लिखा है IC पे, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट होती है, यहाँ से सीधी नहीं होती, आगे बहुत सारे कंपोनेंट्स और IC भी लगा है एक, तो 13-14 नंबर से आपकी चार्ज की वोल्टेज बाहर ना यहाँ से IC से होके बैटरी तक जाती है। आप इसको ट्रेसिंग करें और मुझे बताएं कि क्या दिक्कत है, आप ट्रेसिंग कर पाए नहीं कर पाए, आखिर तक आप बैटरी कनेक्टर तक पहुँचे या नहीं पहुँचे, आपको क्या लगता है कि प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है। आगे भी जैसे हम सेक्शन पढ़ेंगे तो मैं कंप्लीट आपको बता ही दूंगा, ठीक है, लेकिन डायग्राम में आप रास्ते से होते हुए आप पहुंच पाते हैं नहीं, मतलब जैसे हम चार्जिंग के जैक से हम आईसी तक पहुंच गए, चार्जिंग आईसी तक, तो वहां से आपको सिर्फ कनेक्टर तक जो बैटरी कनेक्टर है वहां तक आप ट्राई करिए, और माइक का देखिए, स्पीकर का देखिए, और मेरे को बताइए कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं रीड करने में। जब हम सेक्शन पढ़ेंगे तो हम कंप्लीट कर ही लेंगे, लेकिन आप डायग्राम रीड करके देखिए और मेरे को बताइए कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। मैं क्लियरली वीडियो बना के आपको सब प्रॉब्लम्स के सलूशन बताऊंगा, ना कि कमेंट करिए आप, सिर्फ आप ये मत लिखिए ना इस वीडियो कोई ज़रूरी नहीं है, आप ये लिखिए कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, आप कमेंट करिए, मैं स्पेशली वीडियो बनाऊँगा सारे कमेंट्स पर, आपको बताऊँगा कि किस तरह से करना है। तो चलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो आपको बहुत बहुत थैंक यू देखने के लिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में।